हमें लाइफ में क्या बनना होता है कभी कभी हम खुद नहीं जानते हैं, और इसी कोशिश में हम इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था कुशल पंजाबी के साथ, जिन्होंने अपनी लाइफ में सारे करियर ऑप्शन ट्राई किए और अंत में जाकर उन्होंने एक्टिंग को चुना। कुशल पंजाबी एक एक्टर और डायरेक्टर थे। 23 अप्रैल 1982 को मुंबई में जन्मे कुशल एक सिंधी परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पिता वीजे पंजाबी कराची से हैं और उनकी माँ प्रिया पंजाबी हैदराबाद से हैं। उनकी दो बहनें भी हैं जिनका नाम रीना और मोनिशा है। बचपन से ही उन्होंने डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और स्केटिंग शुरू कर दी थी। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने फुटबॉल, एथलेटिक्स और स्विमिंग भी किया था। एक्टिंग और करियर में आने से पहले कुशल ने बहुत से अलग अलग काम किए। उन्होंने बारटेंडिंग का कोर्स किया था, फिर जेट एयरवेज में पर्सर के तौर पर भी काम किया। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे दुबई में भी काम किया था। वो एक ट्रेन डांसर और कोरियोग्राफर थे। उन्होंने शामक दावर के इंस्टीट्यूट में डांस ट्रेनर का काम भी किया था। फिर 2000 में ग्लैडरेक्स मैनहन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। उन्होंने उम्मीद नाम की एक एनजीओ के लिए स्टार वॉक नाम का फैशन इवेंट डायरेक्टर कोरियोग्राफ भी किया था। उन्होंने फिर फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में कोरियोग्राफी करना शुरू कर दिया था। उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत टेलीविजन से हुई। 1995 में उन्होंने अ माउथफुल ऑफ स्काई में अभिनय किया। क्या आप जानते हैं कि ये सीरियल भारत में बना पहला इंग्लिश लैंग्वेज टीवी सीरियल है। आपको बता दें कि एक्टिंग में आ तो गई पर वो कभी भी एक्टर बनना नहीं चाहते थे। डांसिंग उनका पैशन था और वो एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने लव मैरिज, देखो मगर प्यार से, CID, एक से बढ़कर एक, राजा की आएगी बारात, क्या हाल मिस्टर पांचाल जैसे शोज में काम किया है। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 में आई बॉम्बे नामक फिल्म से की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि अंदाज, लक्ष्य, काल, सलाम-ए-इश्क और धन धना धन गोल। वो आखिरी बार फिल्मों में नजर आए थे 2015 में आई फिल्म क्रेजी कुकर फैमिली में। एक्टिंग के अलावा वो टीचर भी थे और स्कूबा डाइविंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स सिखाया करते थे। उन्होंने फियर फैक्टर, मिस्टर एंड मिसेस टीवी, पैसा भारी पड़ेगा, नॉटिकल नेविगेटर्स चैलेंज, एक से बढ़कर एक, जोर का झटका और झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया था। 2017 में उन्होंने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था अपनी शॉर्ट फिल्म द गिफ्ट से, जिसके लिए उन्हें टैलेंट ट्रैक की तरफ से बेस्ट डिजिटल कंटेंट शॉर्ट फॉर्मेट से सम्मानित किया गया था। ये तो रही उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात है, अब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। उन्हें डांस करना, पढ़ना, फॉरेन लैंग्वेज की फिल्में देखना और बाइक राइडिंग का बहुत शौक था। नवंबर 2015 में उन्होंने अपनी यूरोपियन गर्लफ्रेंड ऑड्रे डॉलहन से शादी कर ली। उन दोनों का एक बेटा भी है, कियान नाम का। 27 दिसंबर 2019 को मुंबई में पाली हिल्स स्थित अपने आवास में कुशल ने फांसी से लटककर आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कुशल पंजाबी से जुड़ी कोई अन्य जानकारी हो तो हमसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया एंड टेक केयर।